घर के अधिकतर झगड़े ये वाणी की वजह से होते हैं। परिवार के अधिकतर झगड़े वाणी पर संयम ना होने की वजह से होता है। पति पत्नी में विवाद हो गया, विवाद इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, पत्नी रुष्ट हो गई और उसने घर की चाबी पति की तरफ फेंक कर कहा, ये संभालो अपना घर, मैं चली अपने मायके। पति समझ गया मामला गंभीर है, उसको उसने बात को संभालते हुए कहा, ठीक है तुम अपने मायके हो आओ, मैं भी अपने ससुराल घूम आता हूँ, बच्चे भी थोड़े दिन के लिए अपने ननिहाल हो आएंगे। इतना पत्नी को सुनना था, पत्नी को हंसी आ गई और बोली, पप्पू के पापा तुम कितने भोले हो। तो में से एक समझदारी का परिचय दे, झगड़ा टल जाएगा। पति पत्नी आपस में समझौता करें, एक ना समझ बने दूसरा समझदार बन जाए, काम चल जाएगा। सास बहू आपस में समझौता करें, एक ना समझ बने दूसरा समझ जाए बन जाए, काम चल जाएगा। दोनों ही ना समझ बने तो गई भैंस। गई भैंस वाणी में, इसलिए आपसे निवेदन करूंगा जीवन के लिए अपने बोल को संभालिए, अपने वाणी को संभालिए। भगवान महावीर ने कहा, वाणी का संयम, मन का संयम, हाथ का संयम, पैर का संयम, भोजन का संयम, रसना का संयम, जिंदगी में संयम पल पल कदम कदम पर जरूरी है। पत्नी ने भोजन बनाया, भोजन में मिर्ची जरा ज्यादा हो गई। पत्नी ने भोजन बनाया, भोजन में जरा मिर्ची ज्यादा हो गई। अब अगर पति कहे, ये कोई भोजन है क्या, मिर्ची डाल दी, क्या किसी पंसारी से तुम्हारी यारी हो गई, तो स्वाभाविक है पत्नी को बुरा लगेगा और घर में कलह का वातावरण बन जाएगा। अगर इसकी जगह पति यूं कहे, वाह भाई मजा आ गया, मुंह तो मुंह, कानों को भी स्वाद आ गया, वाह भाई मजा आ गया, क्या चटपटा भोजन बना है, कानों को तो मुंह तो मुंह, कानों को भी स्वाद। इतना कहने से पत्नी समझ जाएगी, इतना बात एक ही है, बात एक ही है, पर कहने का ढंग अलग अलग है। आपके घर मेहमान आया और आप उसे बोलिए, आइए आप भी भोजन कर लीजिए, मेहमान आएगा प्रेम से भोजन करेगा। और अगर इसकी जगह यह कहो, आओ तुम भी ठूस लो, क्या होगा पंडित जी, ठूसेगा तो नहीं ठूसा। मेहमान आया, अगर आप उसे बोलिए आइए आप भी भोजन कर लीजिए, प्रेम से भोजन करेगा। और इसकी जगह अगर यूं कहा जाए, आओ तुम भी ठूस, कहने का ढंग अलग अलग होता है। दुनिया नहीं बदलेगी, हमें अपने जीने का ढंग बदलना है, हमें अपने रहने का ढंग बदलना है, हमें अपने कहने का ढंग बदलना है। दुनिया नहीं बदलेगी, दुनिया तो जैसी है वैसी, महावीर के समय भी ऐसी थी, बुद्ध के समय भी ऐसी ही थी, राम के समय भी ऐसी ही थी, श्री कृष्ण के समय भी ऐसी ही थी। दुनिया जो है वो है, पर दुनिया वाले अपने को बदले तो ये दुनिया किसी स्वर्ग से कम नहीं है। मरने के बाद स्वर्ग जाने की बजाय हम इसी जीवन को, इसी धरती को स्वर्ग बनाने की कोशिश करें तो हम